Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का textbook.com के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दिस इज ऋतुराज अवस्थी और दोपहर को बच चुकी है एक क्लास हो गया अपना शुरू तो आप सभी लोगों का स्वागत है और कल कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अपना क्लास नहीं हो पाया था राइट तो अपनी तरफ से सब कुछ सही था बट आई थॉट कि यूट्यूब वाला जो सर्वर था कुछ गड़बड़ था इसलिए क्लास नहीं हुआ था और बहुत सारे लोग परेशान थे तो कोई बात नहीं आज अपना क्लास स्टार्ट हो गया है तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस एस का प्रीवियस ईयर पेपर चार मार्च दो बीस का राइट फोर मार्च ट्वेंटी, ट्वेंटी को शिफ्ट थ्री में जो एस एस सी सी का एग्जाम हुआ था आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों का स्वागत है जल्दी से सब लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए और चलते हैं अपन आगे चलिए एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास यानी कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल अपन कोई टॉपिक तो ऐसा पढ़ नहीं रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं एस एस सी का ये पेपर है चार मार्च को हुआ था राइट फोर मार्च को हुआ था और फोर मार्च का स्विफ्ट थ्री का एग्जाम है राइट स्विफ्ट थ्री का एग्जाम है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फोर मार्च को स्विफ्ट थ्री का एग्जाम हम डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है हां जी गुड आफ्टरनून नीतू रॉकी कीर्ति चांदी मनोज श्रेयांशी पूनम प्रीति तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो 4 मार्च को एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न ये है हाउ मेनी मेंबर्स डीड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैव एज ऑफ जनवरी 2020 जनवरी 2020 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे 164 182 189 और 174 ये प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट right? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में तो देखते हैं कितने लोग आंसर सही करते हैं सबसे पहले श्रेयांसी ने आंसर किया है थ्री यानी कि वन एटी नाइन मेंबर यहाँ पे आंसर किया है और यहाँ पे देखिए अगर अपन इस प्रश्न के सही उत्तर को देखते हैं तो जो कि बिल्कुल सही आंसर है वन एटी नाइन एक सौ नवासी मेंबर हुआ करते थे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को नाइनटीन फोर्टी फाइव यानी कि उन्नीस सौ पैंतालीस में स्टेबल किया गया था राइट दिस इज 1945 और यहां पर जो है ना मतलब इसको किस लिए बनाया गया था इसको इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की है राइट वन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की और जो कि मतलब अकाउंटेबल या जो उसके पर्टिकुलर मेंबर्स कहलाते हैं अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो आई एम एफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इट इज सिचुएटेड एट वॉशिंग्टन डीसी और वर्तमान में जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की उनका नाम है क्रिस्टालिना गोरजीविया राइट right? क्रिस्टालिना गोरजीविया इसकी जो है ना तो क्या है आपकी चेयरमैन है नाउ इसकी करेंसी भी चलती है आप सभी लोगों ने सुना होगा अबाउट द एस डी आर राइट एस डी आर कॉल्ड एज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट इसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहा जाता है इट इज द करेंसी बकेट राइट right? इसमें आपकी चार पांच हैं। इस पर्टिकुलर बकेट में जो आ जाती हैं तो ये करेंसी बकेट यहाँ पर इसकी चलती है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इरानियन मेजर जनरल कासिम सोलेमानी वॉज रिसेंटली एसोसिनेटेड बाय द यूएस मिलिट्री इन ईरानी मेजर जनरल कासिम सोलेमानी की हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान इराक सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि जो 4 मार्च को एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे ये वो प्रश्न है ठीक है आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए तब तक मैं आपको एक ऑफर के बारे में बताता हूं टेस्टबुक आपके लिए ले, ले आया है सिलेक्शन बी पढ़ लो मित्रों मौका है राइट सभी के पास मौका है पढ़ने का तो सभी लोग यहां पे पढ़ सकते हैं एंड यू गाइस कैन इलीस्ट एट जस्ट रुपीज टू नाइन नाइन दो सौ निन्यानवे रुपए में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा और ये टेक्स बुक पास में आपको हंड्रेड से भी ज्यादा वीडियो मिलेंगे राइट right? हंड्रेड से भी ज्यादा आपको भी मिलेंगे और हंड्रेड से ज्यादा वीडियो कोर्सेज के साथ साथ आपको ट्वेल्व थाउजेंड प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें राइट एट जस्ट रुपीज टू नाइनटी नाइन अगर आप एस एस टी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट एस एस सी जेई यानी कि एस एस सी जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो एस एस सी जेई मैकेनिकल लाइफ कोचिंग इज फॉर यू जहां पर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है राइट right? और पता है अगर आप इस पर्टिकुलर बैच को लेना चाहते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड ऋतुराज आदित्य ये कोड अगर आप यूज करते हैं स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखना आर आई टी यू आर ए जे ए डी आई टी वाई ए तो आपको जो भी इसका ऑनलाइन प्राइस होगा उसमें 20% ऑफ मिलेगा राइट 20% आपको ऑफ मिलेगा जो भी इसका प्राइस रहेगा ऑनलाइन ठीक है तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईरानीन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी वाज रिसेंटली रिसेंटली यानी कि एससिनेट हुए थे 2020 में ही और जब यूएस आर्मी के द्वारा कहां पे इराक में इराक में इनको एससिनेट किया गया था और यूएस एयर स्ट्राइक हुई थी बगदाद में कासिम सुलेमानी जो थे ये आपके सबसे आ, मतलब क्या बोला जाता है कि भाई ईरान और मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कहलाते थे और इन्होंने एक स्पेशल फोर्स यूनिट जो थी ईरान एलाइट रेवोल्यूशनरी गार्ड इसको इन्होंने लेड किया था और इसी वजह से जो है ना यूएस आर्मी के द्वारा इनको एसोसनेट किया गया था ठीक है एम का क्लास गौतम जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन और देखो कल कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास नहीं हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना ड्रिबन बाई द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप अक्वायर आ रोजी और ऑरेंज ह्यू ऑरेंज सनराइज एंड सनसेट उस घटना का नाम क्या है उस घटना का नाम क्या है प्रकाश के प्रकर्ण से प्रेरित जिसमें पहाड़ की चोटी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर एक रसीला या नारंगी रंग प्राप्त करती है ब्रिलिन स्कैटरिंग सर्किल ऑफ कंफ्यूजन अल्पैंग्लो और बैरल डिस्टॉसन क्या कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट है और इन वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने आई डोंट थिंक के पहले सुना होगा मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं पच्चीस क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब है ना छोड़ देने होते हैं राइट जैसे यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं सिर्फ शिवालिका का आंसर अभी तक सही आया है और बाद में नीतू का राइट की राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थ्री अपलैंग जिसे कहा गया ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है

और बैक होती हैं वापस से ऑब्जर्वर के पास राइट ऑब्जर्वर के पास बैक होती हैं। इस वजह से वो घटना हमको देखने को मिलती है ठीक है अब फिर बाकियों का क्या मतलब है जब हम देखिए इसकी ब्रिलियंस स्कैटरिंग की बात करते हैं सो ये एक आपका इंटरेक्शन होता है लाइट का विद द मटेरियल बे इन अ मीडियम यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट वेव का इंट्रेक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर मटेरियल से दैट इज कॉल्ड एज द बिलरुबिन स्कैटरिंग उसे हम बिलरुबिन स्कैटरिंग कहते हैं सेकंड यहां पर देखो सर्किल ऑफ कंफ्यूजन राइट अ सर्किल ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है कि इट इज द मेजरमेंट ये एक मेजरमेंट होता है पॉइंट ऑफ लाइट का जो कि किसी फोकल प्लेन फोकल प्लेन यानी कि कैमरा या सेंसर में जो है ना पड़ रही होती है सो दैट इज कॉल्ड एज द आप सभी लोगों ने देखा होगा मोबाइल वगैरह के कैमरे में अगर देखोगे तो आपको जो है ना बहुत सारे सर्कल्स जैसे दिखाई देते हैं राइट तो उनको यहाँ पे क्या करा जाता है कि मेजरमेंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइट का जो कि फॉल होती है फोकल प्लेन पे कैमरा वगैरह के सेंसेस में जब आप वैरल डिस्टोरसन की बात करते हैं वैरल वैरलोरसन एक क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में राइट वेन स्ट्रेट लाइन बैंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इमेज स्ट्रेट so लाइन है वो इमेज के सेंटर से आउटवर्ड चली जाती है सो कॉल्ड एज द बैरल डिस्टोर्सन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी राइट कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में होता है तो यहां पे देखो हे लड़को सुनो गधो ये जो फूल वूल भेज रहे हो ना देखो लड़कियों का तो ऐसा है कि ये या तो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेंगी right? राइट तो लेंगी पढ़ती रहती हैं है, वाले से है ना? तुम अपना देखो, समय की बचत करो पढ़ाई पे फोकस करो ठीक है प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा आगे चलो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज एनर्जी कंजर्वेशन दैट है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें केमिकल एनर्जी में राइट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द फोटो राइट यानी कि मतलब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो है ना कि एक कन्वर्जन होता है एनर्जी कन्वर्जन जो आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जैसे आप जैसे अगर अपन पौधों की बात करें राइट right? पौधों की अगर हम बात करें तो पौधे भी अपना जो भोजन है वो इस स्ोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही बनाते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है ओनली वन इंडियन बैट्समैन हैज स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट अदर देन वीरेंद्र सहवाग नेम दिस बैट्समैन केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाया है इस बल्लेबाज का नाम आपको बताना है शिखर धवन रोहित शर्मा करुण नायर और अजिंक्या रहाणे ठीक है चलो आंसर दो यहां पर क्या हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है राइट आंसर यहां पर देखिए करुण नायर करुण नायर के द्वारा ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की गई थी टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के अलावा और इन्होंने ये जो ट्रिपल सेंचुरी है ये फिफ्थ टेस्ट जो हो रहा था चेन्नई में अगेंस्ट इंग्लैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट साल 2016 में तब उन्होंने 303 रन का स्कोर किया था राइट थ्री जीरो थ्री रन का स्कोर किया था और ये दूसरे ऐसे प्लेयर है वीरेंद्र सहवाग के अलावा जिन्होंने की ट्रिपल सेंचुरी लगाई वीरेंद्र सहवाग पहले इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करी थी पाकिस्तान के और उन्होंने उसके बाद जो है ना फिर मतलब है ट्रिपल सेंचुरी पहली वाली तो पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाई थी दूसरी अगेंस्ट शायद साउथ अफ्रीका के लगाई थी साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरी वाली जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन वर्ल्ड टू हैव वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस दुनिया का एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक कौन है जिसने दो बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है मैडम क्यूरी लाइनस कार्ल पॉलिंग रोजर डी कॉनवर्ग फेडरिक सेंगर कौन है ये आपको बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर राइट right आंसर अगर आप देखेंगे तो ये कहला जाएगा फ्रेडरिक सेंगर राइट फ्रेडरिक सेंगर यहां पर हो जाएगा ये आपके ओनली साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के जिनके द्वारा जो है ना नोबेल प्राइज जीता गया है केमिस्ट्री में ट्वाइस यानी कि दो बार जीता गया है और ये आपके एक मेडिकल प्रैक्टिसनर थे प्रोफेशन से जो कि पे साउथ वेस्ट इंग्लैंड में रहा करते थे ठीक है ये यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसका आगे चलते हैं अच्छा उन्होंने जो नोबेल प्राइज है ना नोबेल प्राइज दो बार जीता है ठीक है दो बार उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है पहली बार तो उन्होंने जब केमिस्ट्री में जीता था नोबेल प्राइज 1958 में और दूसरी बार जो नोबेल प्राइज था उन्होंने केमिस्ट्री में ही जीता था 1980 1980, 1980 में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भवाई एंड कलबेलिया आर एज भवाई एंड कलबेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ओफ दियर जेनेसिस टू इंडियन स्टेट भवाई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य के रूप में किस भारतीय राज्य को अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं राइट right? आसाम राजस्थान पंजाब और हरियाणा कौन सा राज्य है यह आपको बताना है देखिए भवाई और कलबेलिया राइट right? भवाई और कलबेलिया की बात कर रहे, जा रही है तो इसका सही उत्तर क्या होगा राजस्थान राजाओं का स्थान ठीक है तो ये यहां से रिलेटेड है भवाई क्या होता है ए, एक तरीके से अगर आप भवाई की बात करो ना तो महिलाओं के द्वारा ये व्यापक पैमाने पर वो जो घूमने वाला जो घूमर घूमर टाइप का होता है ना दैट भवाई और जो कालबेलिया है कालबेलिया ये एक जनजाति होती है ट्राइब राजस्थान में उससे जुड़ा हुआ है ये पर्टिकुलर राइट यहाँ पे जो महिलाएं हैं संगीत पर घूमती हैं झूमती हैं और वैसा असम की अगर आप बात करें तो बिहू हो जाएगा राइट पंजाब का जो पारंपरिक नृत्य है उसको हम बोलते हैं भांगड़ा और गिद्दा हरियाणा में जो है ना धमाल हुआ फाग हुआ झूमर हुआ ये सब कहां पे आ जाते हैं आपके ये सब आ जाते हैं आपके हरियाणा में ठीक है चलिए द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 is इज होस्टेड which Indian इंडियन स्टेट तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस भारतीय राज्य द्वारा आयोजित किया गया है केरल कर्नाटका पंजाब और आसाम राइट कहां पे हो किया गया ये आपको बताना है राइट right? जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है ये होस्ट किया गया विच इंडियन स्टेट कौन से इंडियन स्टेट में सही उत्तर आप देखिए तो आसाम हो जाएगा uh, 2020 में गुवाहाटी आसाम में हुआ था राइट right? ये क्वेश्चन कई बारी देखो हमने अभी सी जी एल के पेपर भी मैंने आपको लास्ट वीक में करवाए उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया राइट तो काफी इंपॉर्टेंट था ये जो 2020 में हुआ था 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में ये पर्टिकुलर दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट है इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो है ना आसाम में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था इसको अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें प्रकाश स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्पेक्ट्रम रेखा का भिन्न भिन्न आकृति के दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित होता है रमन इफेक्ट अपलैंगो इफेक्ट ल्यूमन इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या कहा जाता है इसको क्या कहते हैं हम इसको ये आपको बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जीमन इफेक्ट इसको कहा जाता है राइट जीमन इफेक्ट इसको कहा जाता है अपलैंगो इफेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया राइट अपलैंगो इफेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था दिस इज कॉल्ड ए जीमन इफेक्ट जीमन इफेक्ट ये कहलाता है कि एक ऐसा फिनोमिना फिजिक्स का जहां पे एस्ट्रोनॉमी जो इन्वॉल्व होती है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इनटू टू और मोर कंपोनेंट राइट अच्छा रमन इफेक्ट क्या होता है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बट द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑकर अ लाइट बीम इज बाय मॉलिक्यूल्स और जो अपलैंगो इफेक्ट है ये आपका एक एटमोस्फेयरिक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जो कि माउंटेन को क्या करता है ग्लो राइट ग्लो करता है एक लाइट पिंक या रेड ह्यू में जो जस्ट बिफोर द सनराइज ठीक है ये आ जाता है आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉलोइंग इज़ द गवर्नर ऑफ केरला जनवरी 2020 की बात करी गई थी जब ये आपका मार्च में एग्जाम हुआ था ठीक है तो उस समय पर जो केरला है केरला के गवर्नर कौन थे उस समय पर जो केरला है केरला के गवर्नर कौन थे देखिए केरल के गवर्नर अगर आप देखें सो आरिफ मोहम्मद जी आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ पे केरल के गवर्नर थे इनको इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसमें जो इनके पोर्टफोलियोज वगैरह थे एनर्जी सिविल एविएशन वगैरह के ये आपके हैंडल कर रहे थे और यहाँ पे देखिए केरल की के बात करें तो चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनाराई विजियन है और केरल की कैपिटल को हम तिरुवनंतपुरम कहते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे आपसे बी डी मिश्रा जी के बारे में पूछा गया है तो बी डी मिश्रा जी कहा के गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बी डी मिश्रा जी सत्यपाल मलिक ये गवर्नर कहाँ के हैं गोवा ठीक है और लालजी टंडन जी की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे और ये यहाँ पर क्या हो गए आपके एक्सपायर हो गए ठीक है मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे तो लालजी टंडन जी एक्सपायर हो गए थे तो अभी यहां पर जो है ना आनंदी बेन पटेल जी हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है फोर मल्टी स्टोरीज इीगल कंस्ट्रक्शन जैन कोरल कोब एच होली फेथ अल्फाइन एंड गोल्डनोरम रेस टू दाउंड इन जनवरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चार बहुमंजिला अवैध निर्माण जैन कोरल कोच एच ट्वेंटी होली फेथ अल्फा सेन और गोल्डन क्लायरम सॉरी गोल्डन क्यालोरम को जनवरी 2020 में जमीन पर गिरा दिया गया यह किस राज्य में हुआ कर्नाटक गोवा केरल और तमिलनाडु तो यहां पे देखिए इसका राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं तमिलनाडु बट राइट आंसर यहां पर क्या है रला राइट केरला यहां पर जो है ना राइट आंसर है इसका और केरल में ये जो चारों की चारों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जनवरी 2020 में इनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आदेश बाद uh, collapse कर दिया गया था तोड़ दिया गया था अराउंड 850 किलो का एक्सप्लोजिव लगा था इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तोड़ने में राइट right? क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना एकदम बिल्कुल ओपन एक्सप्लोजन नहीं कर सकते यू हैव टू डू अ कंट्रोल एक्सप्लोजन उसके लिए ठीक है आगे चलते हैं अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था नेम द टू इंडियन एक्टर्स हु स्टार्टेड द द नेशनल नेशनल बेस्ट एक्ट और अवार्ड मेल इन फिल्म अवार्ड 2019 उन दो भारतीय अभिनेताओं के नाम बताइए जिन्होंने छठवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म या अभिनय पुरस्कार साझा किया है ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आप देखिए तो क्या कहला जाएगा राइट आंसर आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल आयुष्मान खुराना और विकी कौशल इसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों के द्वारा जो जो छा, नेशनल फिल्म अवार्ड थे उनमें मतलब शेयर किया गया नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड मेल कैटेगरी को राइट right? आयुष्मान खुराना और विकी कौशल इन दोनों के द्वारा आयुष्मान खुराना को जो उनकी मूवी आई थी अधाधु राइट right? उसके लिए और विकी कौशल को जो उनकी मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके लिए सम्मानित किया गया था आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दीज रिवर जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको बताना है राइट तो ये भी बताइएगा कि विजयवाड़ा है कहां पर ठीक है किस नदी के किनारे है कहां पर है यह आपको बताना है विजयवाड़ा के बारे में कृष्णा नदी यहां पे सब लोग आंसर कर रहे हैं क्या सच में कृष्णा रिवर इसका राइट आंसर है चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है क्या सच में इसका सही आंसर कृष्णा रिवर है तो बिल्कुल यहां पर अगर अपन देखें दिस इज द सिटी विजयवाड़ा राइट ये अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा राइट और विजयवाड़ा जो शहर है ये यहाँ से कृष्णा नदी गुजरती है और कृष्णा नदी के किनारे ही ये आपका विजयवाड़ा बसा हुआ है ठीक है कहाँ पर है ये विजयवाड़ा सो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर ठीक है कृष्णा नदी के किनारे जो है ना विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी के किनारे है हाँ जी साउथ की कृष्णा नदी के नदी है <laughs> और यहाँ पे आप देखो कृष्णा नदी जो है ना ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो एक प्लेस है जिसे कहा जाता है महाबलेश्वर राइट right? एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज द महाबलेश्वर ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी राइट right? और ये जो आपका मतलब सतारा डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र का वहां पे है ये महाबलेश्वर और ये आपका ड्रेन कहां पे होती है वे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में टोटल 1290 किलोमीटर की लेंथ को यह कृष्णा नदी कवर करती है और ये काफी फर्टाइल डेल्टा भी कहलाता है कृष्णा नदी का जो डेल्टा है ना काफी फर्टाइल यानी कि उपज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है वो भी बहुत सारी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेम द ऑथर ऑफ द 2019 रिलीज बुक द सेंट ऑफ गॉड 2019 में जारी द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है गीता हरिहरन सैकत मजूमदार हिमांजली शंकर नयन तारा सहगल इसका सही उत्तर आप देखिए तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा इसका आ, 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 साइकत राइट साइकत इसका राइट आंसर रहेगा जिनके द्वारा ये पुस्तक जो है ना लिखी गई थी इसको मार्क कर लेना दिस इज द राइट आंसर साइकत मजूमदार जिनके द्वारा द सेंट ऑफ गॉड नामक जो पुस्तक है इसको लिखा गया था ठीक है देखिए जब आप गीता हरिनाथ हरिहरण जी की बात करेंगे तो जो बुक इनके द्वारा लिखी गई थी द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट है ना बैटलिंग फॉर इंडिया हिस्ट्रीज राइट ये गीता हरिहरन के द्वारा लिखी गई थी जब आप यहां पर हिमांजलि शंकर की बात करते हैं तो हिमांजलि शंकर ने जो पुस्तक लिखी थी द लाइज वी टेल राइट जो झूठ हम बोलते हैं काफी इंटरेस्टिंग पुस्तक है लाइज बीच uh, और टॉकिंग ऑफ मुस्कान राइट फिर जो नयन तारा सहगल है इनको कौन नहीं जानता प्लान फॉर डिपार्चर है ना लेसर ब्रीड ये सारी की सारी नयन तारा सहगल के द्वारा लिखी गई थी ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था नेम द कंपनी दैट हैज अक्वायर एन ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन आईएनसी फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 337.8 मिलियन डॉलर इन एन ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन कंपनी का नाम बताइए जिसने एक पूर्ण पूंजी लेन देन में तीन मिलियन डॉलर के उद्यम मूल्य के साथ एक ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन निगम का अधिग्रहण किया एबिक्स मेक मा ट्रिप ट्रिप एडवाइजर और ट्रिवेगो मेक माई ट्रिप यहां पे कह रहे हैं कि इसका राइट right आंसर होगा आ, इसका जो सही उत्तर है ना एबिक्स है राइट right? एबिक्स है और यानी कि फर्स्ट वन इज द राइट आंसर और ये एक ऑनलाइन मतलब ट्रेवल यात्रा पोर्टल है राइट right? जिसको ये होल्ड करता है थ्री थर्टी सेवन पॉइंट एट मिलियन इनका पूरा का पूरा ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन है आगे चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था द रिसेंट रिबोक्ड आर्टिकल थ्री सेवेंटी एज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ इंडिया हाल ही में निरस्त्र अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है तो इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा आर्टिकल नंबर 370 ये हमारे देश में लगाया गया था एक राज्य जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था और उसे हालांकि रिबोक कर लिया गया था 5 अगस्त 2019 को फाइव अगस्त टू को आर्टिकल थ्री को रिबोक कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से राइट और इसमें जो है ना जब तक आर्टिकल 370 था उसके रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को काफी सारे स्पेशल प्रोविजंस थे और उसको रिबोक करने के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको खत्म कर दिया गया और उस राज्य को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी यानी कि के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो आपके केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं ठीक है आगे देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया हुआ the सती प्रथा इीगल एंड पनिशेबल ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया सती प्रथा ये एक काफी इविल कस्टम था राइट right? एक्चुअल में देखो ब्रिटिश की अगर हम बात करते हैं So, भारत में जो ब्रिटिश है ये आपका 1600 1600 सोलह बीसी में आए थे 1600 में आए थे और दे केम फॉर द ट्रेड व्यापार के लिए आए थे इन्होंने 1757 में जो प्लासी का युद्ध था प्लासी के युद्ध को जीता था राइट बैटल ऑफ प्लासी को इन्होंने जीता था फिर 1764 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर बक्सर के युद्ध को इन्होंने जीता था फिर यहां पर देखिए इनके बाद जो ब्रिटिश की कोलोनियल पॉलिसीज हैं राइट right? ब्रिटिश की जो कोलोनियल पॉलिसीज हैं ये आई थी ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसीज और ये जो ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसीज हैं इनको अगर आप देखें तो इनमें जैसे सोशल की हम बात करें तो सोशल में ही ये सती प्रथा को बैन करना बिडोरी मैरिज एक्ट और चाइल्ड जो चाइल्ड का जो बलि चढ़ाई जाती थी बच्चों की बलि दी जाती थी बड़े की बलि दी जाती थी वो सारा कुछ शामिल था जबकि रेवेन्यू सिस्टम में आप देखिए तो जमींदारी महलवारी रियोत बारी ये सारे सिस्टम थे और जो इनकी पॉलिटिकल थे पॉलिटिकल जिसके तहत उन्होंने भारत को पूरी तरीके से कैप्चर किया था दैट इज डॉक्टराइन ऑफ लैब्स एंड सब्सिडरी अलायसेज डॉक्टराइन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज की अ इंडियन रूलर डाई चाइल्डलेस अगर उसकी डेथ चाइल्डलेस हो जाती है तो उनकी जितनी भी पर्टिकुलर टेरिटरी और वो ब्रिटिश के द्वारा अक्वायर कर ली जाएंगी राइट right? तो यहां पर था भारत में जब इस सती प्रथा को इीगल घोषित कर दिया गया था और भारत में एक रूल लाया गया था 1829 1829 में एक रूल लाया गया था इस रूल के तहत ये जो सती प्रथा है ये पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया था राइट right, सती प्रथा को पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया था और यहां पर जो अगर आप देखें तो मतलब क्या कहला जाएगा विलियम बैंटिक राइट आंसर कहला जाएगा देखो कॉर्नवालिस और हेस्टिंग्स ये यहां पर जो है ना ये भी भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे रहे हैं जैसे हेस्टिंग्स की बात करें तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग्स राइट विलियम बेंटिक अगर आप देखो तो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था राइट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये व्यक्ति आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था ठीक है बेंटिक तो ये आपका राइट right आंसर रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है देखिए राजा राम मोहन राय जी की अगर हम बात करें ना तो ये काफी फेमस व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय जी ये एक मतलब जिनको हम क्या बोले एक रूढ़ीवादी परिवार में इनका जन्म हुआ था और वो बहुत पढ़े लिखे थे उन्होंने बहुत बहुत सारी भाषाओं भाषाओं का ज्ञान ज्ञान था जब उन के को वो वो ले रहे थे तब उनकी जो विचारधारा थी थी ज्यादा लिबरल हो गई थी। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी खुद सगी जो भाभी थी उनके मदर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको सती कर दिया गया था वो काफी लड़े कि ये चीज गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए हाउ वो नहीं माने या वो जीत नहीं पाए अपने पेरेंट्स से तो उन्होंने फिर जब उनकी भाभी को ही सती कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने एक आ, वो उठाया था पूरी दुनिया में या पूरे भारत में उस समय पर ये जो सिस्टम था ये काफी था राइट तो यहाँ पे जो है ना मतलब आ, उठाया और उन्हीं के प्रयासों से बैन किया गया था परेशान मत हो कली आएगा राइट अभी देखो जो ये मतलब आपकी सत्रह सत्रह फरवरी को जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कुछ लोगों के हैं जो लोग बच जाएंगे उनका उसके बाद होगा इसका सही उत्तर आप देखिए रामचंद्र गुहा ठीक है पुस्तक आपसे पूछी गई थी हु इज द ऑथर ऑफ द डिलाइटफुल एंड एंडल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टाइटल अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट भारतीय क्रिकेट के रमणीय और अनोखे इतिहास अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट का लेखक का कौन है तो इसका सही उत्तर श्री रामचंद्र गुहा होंगे राइट right. रामचंद्र गुहा होंगे यहाँ पे इसका राइट right आंसर और रामचंद्र गुहा जी के, जी के द्वारा जो है ना ये पर्टिकुलर पुस्तक को लिखा गया था ठीक है एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा जो है ना बहुत सारी आपकी आ, मतलब पुस्तकें लिखी गई हैं राइट इनकी जो बहुत सारी पुस्तकें जैसे गांधी बिफोर इंडिया है ना एक <laughs> ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल पुस्तक थी जिस पर कि इन्होंने गांधी बिफोर इंडिया ये पुस्तक थी जो लिखी गई थी उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी ठीक है क्योंकि इनकी जो पुस्तक है ना पहली थी मतलब एक तो ये वाली पुस्तक हो गई जिसको कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट कहा गया फिर गांधी बिफोर इंडिया है ना फिर इंडिया आफ्टर गांधी है ना और सेवेजिंग दिविलाइज ये पुस्तकें हैं है, इनमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसलिए रामचंद्र गुहा जी काफी फेमस हो गए थे रोमिला था थापर, थापर देखें तो जैसे आप सोमनाथ के बारे में जानते होंगे सोमनाथ सोमनाथ टेम्पल को डेमोलिश कर दिया गया था राइट तो सोमनाथ नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी एंसियंट इंडियन सोशियल हिस्ट्री ये इनके द्वारा लिखी गई द पास्ट बिफोर अस हमारे पीछे का जो पास्ट है वो कैसा था ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई बिपिन चंद्रा ये काफी फेमस लोग हैं ये काफी फेमस लोग हैं जो लोग यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं वो इनकी एक एक किताब के बारे में पढ़ते हैं राइट इनके बारे में इनकी एक एक पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं जब हम विपिन चंद्रा जी की बात करते हैं सो तो विपिन चंद्रा जी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस काफी फेमस है मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है विपिन चंद्रा राइट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं ये सारी की सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी देखो गांधी जी से हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए अगर मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछू आपसे एक प्रश्न पूछू कि गांधी जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर होती है या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आज अगर गांधी जी होते और आपको मौका मिलता उनसे कोई प्रश्न पूछने का तो आप उनसे कौन सा प्रश्न पूछते कौन सा क्वेश्चन आप उनसे पूछते ये आपको बताना है ठीक है फिलहाल अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से अपने अपने प्रश्न भी बताइएगा ठीक है क्वेश्चन पर देखिए पूछा गया है ऑफ द मुगल रूलर ये बहुत आसान है ये बहुत आसान है और कई बार मैंने इसका ट्रिक बताया है तुरंत आप लोग इसका आंसर कर देंगे अहिंसा अहिंसा सब लोग अहिंसा से प्रेरित हैं गांधी जी की है ना अहिंसा से प्रेरित हैं और खुद भले ही चिकन और सब खाते फिलहाल देखो, सबसे बड़ी शक्ति जो गांधी जी के अंदर सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है दैट इज सत्य सत्य के लिए लड़ना सत्य के लिए खड़े होना गांधी जी को देखा था बिल्कुल दुबले पतले थे लेकिन उनके अंदर वो जो एक हिम्मत थी भारत है भारत में भी वो सत्य के लिए खड़े हो जाते थे इवेन इन साउथ अफ्रीका आल्सो दक्षिण अफ्रीका में भी टॉल स्टॉय फॉर्म जब उनके साथ ये काले गोरे का भेद हुआ था वहां पर भी वो खड़े हो गए थे राइट तो मतलब वो अगर गांधी जी होते ना तो सिर्फ यही पूछा जाता उनसे कि मतलब आपको किसी चीज से मतलब कैसे खड़े हो जाते हो आप राइट किसी भी चीज के लिए आप कैसे खड़े हो जाते हो क्या आपको डर नहीं लगता आजकल तो देखो है ना आजकल तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता तो अलग ही बात थी ठीक है खैर छोड़िए यहाँ पे फिलहाल इसका जो है ना राइट आंसर आपको ये ध्यान रखना है बी एच ए जे एस ए भाजसा ये ध्यान रखिएगा भाजसा का मतलब क्या है दिस इज कॉल्ड एज बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब राइट ये ध्यान रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबर शाहजहां जहांगीर है ना क्या ये है देखो इसमें मैच करो इसको बी एच ए जे एस ए इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर तो देखो बाबर हुमायूं अकबर बी एच ए है बिल्कुल करेक्ट है ये जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ये वाला है बिल्कुल करेक्ट है ये अकबर जहांगीर शाहजहां अकबर जहांगीर शाहजहां ये वाला सीक्वेंस है बिल्कुल सही है अकबर शाहजहां ये इनकरेक्ट है समझ आ गई बात समझ आ गई बात सिर्फ एक लाइन याद रखना बी एच ए जे एस ए इससे तुरंत याद रख लोगे ये बात मैंने कई बार बोली है कि इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट क्या होता है आप सभी लोगों ने सुना होगा कि धरती पे जो दिन और रात हैं ये डे एंड नाइट कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं राइट राइट दिन कभी बड़े होते हैं कभी रातें छोटी होती कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहां पे छह महीने के लिए दिन होता है छ महीने के लिए रात होती है है ना तो वो कौन से प्लेसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं इसका सही उत्तर आप देखिए दिस इज कॉल्ड एज द इक्विनॉक्स इस इक्विनॉक्स में होता क्या है ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है राइट right? इक्विनॉक्स में होता क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी है देखिए जैसे सन है राइट दिस इज सन अर्थ ठीक है अब देखो अर्थ में तीन पर्टिकुलर इमेजनरी लाइंस हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये कहला जाती है अर्थ की क्या एक्सेस तो यहां पे इक्विनॉक्स का मतलब है वो पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे जो सनलाइट है ये परपेंडिकुलर किसके होती है इक्वेटर के राइट right? जब सनलाइट परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर के दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज द इक्विनॉक्स और ये जो इक्विनॉक्स है इस समय पर अगर आप देखिए तो जो है ना चाहे आपका ये नदन पोल हो चाहे आपका ये सदन पोल हो दोनों जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं ये कब की बात है सो दिस कुड द मार्च ट्वेंटी वन इक्कीस मार्च को होता है पहली बार क्योंकि जब सन रेज कैंसर से कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन से कैंसर के बीच में ट्रेवल करती हैं तब हमको ये इक्विनॉक्स की कंडीशन मिलती है पहली कंडीशन मिलती है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को और सेकेंड कंडीशन मिलती है हमको सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री को यानी कि तेईस सितंबर को हमको दूसरी सिचुएशन मिलती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका रीजन भारत की कौन सी रिसर्च जो है ना स्टेशन वो कहाँ पर है अंटार्क्टिका रीजन में है अंटार्कटिका रीजन में भारत की कौन सी रिसर्च स्टेशन है देखो वो जो इक्विनॉक्स वाली घटना थी ना वो हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल में होता कैसे जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये अर्थ है राइट दिस इज आर अर्थ तो ये पृथ्वी क्या करती है पृथ्वी अपने एक्सिस पर तो घूमती ही है इस तरीके से अपने एक्सिस पर तो ये रोटेट होती ही है राइट अपने एक्सिस में रोटेट होने के साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ रोटेट होती है यहां पर सूर्य है दिस इज सन तो ये सन का जस्ट सामने वाला हिस्सा है अर्थ का राइट सन के जस्ट सामने वाला हिस्सा है ये अर्थ का तो जब सन का ये वाला हिस्सा यहाँ पे होता है तो यहाँ पर दिन होता है इधर साइड रात होती है राइट जैसे अगर हम भारत की ही बात करें राइट भारत की ही बात करें सो अभी जैसे हमारे यहाँ पर दिन है तो जब ये घूमती रहती है ना सूर्य के चारों तरफ राइट सूर्य के चारों तरफ जब ये रोटेट होती है तो जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पर दिन होगा बैक साइड क्या होती है नाइट होती है राइट सेम चीज यहाँ पर ये रोटेट होती रहती है अपनी एक्सेस पर इस वजह से ये डे और नाइट के इवेंट होते हैं और चूंकि ये अपनी एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री क्या है टिल्ट है 23 1/2 डिग्री टिल्ट है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है इसकी वजह से जो ये दिन रात वगैरह होते हैं ना ये आपके बराबर नहीं होते ठीक है इनमें आपकी चेंजेस आते हैं तो आई होप कि वो इंसिडेंट आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था जो मैं आपको अर्थ को घुमा करके बता रहा था वो आपको समझ आया होगा फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड है कि भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है अंटार्कटिका uh, में तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज मैत्री राइट इसको मैत्री कहा जाता है और देखिए मैत्री एक्चुअल में कौन सा है राइट right? तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ में जो है ना दो पर्टिकुलर पोल आ जाते हैं जैसे अगर आप देखें सो दिस इज अर्थ ये पृथ्वी है दिस इज इक्वेटर इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जो है ना गुजरती है और इसमें अगर आप देखोगे तो जब आप अवर डायरेक्शन में जाते हो दिस इज कॉल्ड एज द नदन पोल दिस इज कॉल्ड एज द सदन पोल तो अंटार्कटिका ये सदन पोल है सदन पोल में सारे के सारे देशों ने क्या बना करके रखे हैं सारे के सारे देशों ने आपके अपने स्टेशन बना करके रखे हैं भारत की जो स्टेशन है अंटार्कटिका में उसको क्या कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज मैत्री राइट मैत्री कहा जाता है हालांकि 18, 1989 में इसको बनाया गया था और उसको जो है ना मतलब चालू किया गया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पद्म विभूषण बिनर आ, तीजन बाई हेल निम्नलिखित में से किस राज्य से 2019 की जो पद्म विभूषण विजेता हैं तीजन बाई आती हैं तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर कहला जाएगा छत्तीसगढ़ 2019 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था तीजन बाई को ये छत्तीसगढ़ से आती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर कर्नाटका सीएम डीवी सदानंद गौड़ा इज द कैबिनेट मिनिस्टर इन द करेंट सेंटर कैबिनेट व्हाट इज हिज पोर्टफोलियो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट फरवरी दो मैं मंत्री हैं उनका विभाग क्या है तो इनको जो है ना जाना जाता है किस विभाग के लिए तो ये आपके जो है ना जो डीबी सदानंद गौड़ा जी हैं ये उस समय पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो था ना केमिकल और फर्टिलाइजर्स इनके मिनिस्टर हुआ करते थे ध्यान रखिएगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इसके मिनिस्टर हुआ करते थे डीवी सदानंद गौड़ा जी ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन uh, यहां पर देखिए हु फॉलोविंग इज नोन एज द फादर ऑफ द मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल निम्नलिखित में से किसी बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसको जाना जाता है तो आप सभी जानते होंगे नवाब अब्दुल लतीफ खान जी को नवाब अब्दुल लतीफ खान जी को यहाँ पे फादर ऑफ द मुस्लिम रेनसेंस के तौर पे जाना जाता है कहां पे बंगाल में ठीक है नाम क्या है नवाब अब्दुल लतीफ खान ठीक है और द लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द थियरीज अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम इनमें से किस सिद्धांत से जुड़ा है तो किस सिद्धांत से जुड़ा है इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा द बिग बैंग थ्योरी राइट बिग बैंग का सिद्धांत जिसकी वजह से जो अर्थ ओरिजिनेट हुई या पूरा का पूरा यूनिवर्स वगैरह निकल करके आया ये इससे रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज द हबल थ्योरी और इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है राइट right? ये जो थ्योरी है ये आपका एक एक्सप्लेनेशन है हाउ यूनिवर्स माइट हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट पी ओके सो गाइज दिस इज फॉर द डे आज की क्लास में इतना ही आई होप यू एंजॉयड द सेशन आपको सारे जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आए होंगे राइट right? तो यही पर रोकेंगे और अगर आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट से कोई चीज परचेज करते हैं इफ यू आर परचेजिंग सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड ऋतुराज आदित्य एंड यू विल गेट द ट्वेंटी परसेंट ऑफ कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लाइव कोचिंग में राइट right? कोई भी लाइव कोचिंग का बैच अगर आप परचेस करते हैं और ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा राइट right? सो so, आज की क्लास में इतना ही विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय हैव अ ग्रेट डे